मसीह यीशु ने आगे कहा, वास्तव में कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृह नगर में सम्मान नहीं पाता। सच तो ये है कि एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष वर्षा न हुई, इसराइल राष्ट्र में अनेक विधवाएं थी तथा सभी राष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, अतिरिक्त उसके जो सीदोन प्रदेश के सारेप्ता नगर में थी। वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इसराइल राष्ट्र में अनेक कोढ़ रोगी थे, किंतु सीरियावासी नामान के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मसीह यीशु को धक्के मारते हुए नगर से बाहर निकाल दिया और उन्हें खींचते हुए उस पर्वत शिखर पर ले गए जिस पर वो नगर बसा हुआ था, कि उन्हें चट्टान पर से नीचे धकेल दे। किंतु मसीह यीशु बचते हुए भीड़ के बीच से निकल गए।